देखिए अल्लाह ताला ने अवलन आलम अमर को पैदा फरमाया, कुन फयकून, और उस आलम अमर में अल्लाह ताला ने फरिश्ते और अरवाह इंसानियत की तख्लीक की। अल अरवाह जुलूद मुजन्नद, लश्करों की शक्ल में, आदम से लेकर आखिरी इंसान जो आएगा दुनिया में कयामत से पहले, सबकी रूहें मौजूद थी, हम सब मौजूद। समझ रहे इस बात को? तभी अल्लाह ने अहद लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, कालू बला, क्या मैं ही तुम्हारा आका और रब नहीं हूं? हम सब ने अहद किया था, यकीन परवरदिगार तू ही हमारा रब। हमारे इस दौर के बहरहाल मारूफ मुफस्सिरों में से मौलाना इस्लाही साहब, मैंने उनसे इस्तिफादा भी बहुत किया है, लेकिन फिर इख्तलाफ भी मेरा शरीर हुआ रजम के मामले में, उन्होंने जो राय इख्तियार की उसके बाद से फिर मैंने अपना ताल्लुक उनसे मुनक़ते किया कि वो अहले हदीस, अहले जो मुनकिरीन हदीस के मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया उन्होंने। उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है सूरह आराफ की तफसीर में, ये अहद इंसान की तख्लीक से कबल आलम गैब में लिया गया। मैं कह रहा, मैंने कहा बोलाना ये जुमला तो मोहम्मल है, क्यों? मैंने कहा जो पैदा ही नहीं हुआ उससे अहद कैसा? ये अहद इंसान की तखलीक से पहले आलम गैब में लिया गया। सोचने लगे, मैंने कहा वरना यूं होना चाहिए, ये अहद अजसाद इंसानिया की तखलीक से कबल अरवाह इंसानिया से लिया गया। कह रहे हाँ ठीक कहते, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने माना। अफसोस यह है कि उनकी तस्वीर में अब भी वही बात छप रही है, जो शायर करने वाले हैं उन्होंने उसमें दोस्ती नहीं की। ये अहद करके हम दुनिया में आए, इसके कुछ अरसे के बाद वो जो नूर पैदा हुआ था, सटल नूर जिससे कि अरवाह और मलाइका पैदा किए गए, हदीस की है हजरत आयशा की, इंदल्लाह खलकल मलाइका मिनन नूर, उसके बाद बिग बैंग हुआ, आपको आज मालूम है, बहुत बड़ा धमाका हुआ, और उस धमाके के नतीजे में इसी नूर में नारी जर्रात पैदा हुए, आग के जर्रात, ट्रिलियंस डिग्री फारेनहाइट उनकी उनका टेम्परेचर, और दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, फोटॉन्स कहलाते, इन्हीं फोटॉन्स से फिर गैलेक्सीज बनी है, फिर ये सितारे बने हैं, सैयारे बने हैं। और ये बात नोट कर लीजिए, इस लेवल पर इस आग से जिन्नात की तकलीफ हुई है। कुरान कहता है बलजान न खलक ना हो मिन कौल मिन नार सबू, इंसानों की तकलीफ से बहुत पहले जिन्नात की तकलीफ हुई है, और आग से हुई है, आग की लपट, आग की रो, ये कुरान से साबित है। उसके बाद जब ये ठंडे होने शुरू हुए कुर्रे, और हमारी ये जमीन ठंडी हुई, इसमें से बुखारात निकले, नतीजा क्या निकला? ये फिजा पैदा हो गई, गैसेस इसी जमीन से निकले हुए, और नंबर दो सुकड़ गई, कहीं ऊंची कहीं नीची, फिर हजार हा बरस तक बारिश होती रही, बारिश होती रही, और ये बड़े बड़े समंदर वजूद में आ गए। और ये भी कुरान के अंदर मजकूर है, कान अरशहु अलल मा, उस वक्त तक जाहिर बात है कि दुनिया में कोई और मखलूक नहीं थी, कोई हैवान, कोई समंदरी, कोई मछली, कोई इंसान, कोई जानवर, कोई कुछ नहीं, जमीन और पानी, जमीन और पानी, मकान आरशोर, वहां से फिर इंसान की तखलीक का अमल शुरू हुआ। साइंस और कुरान दोनों इस पर मुत्तफिक हैं कि इंसान पैदा किया गया मिट्टी से, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, निकले द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अब उसको छोड़ दीजिए कि वो किन मराहिल से गुजर कर आया, ये कि जो अहादीस से हमें कुछ मालूम होता है कि तमाम जितने भी बड़े आजम थे उन सबसे मिट्टी लेकर अल्लाह ने आसमान पर फिर ये कि वो गारा बनाया, उस गारे के अंदर फिर जब वो कुछ मादा डाला जो जो कि ऑर्गेनिक था, उसके अंदर जो है फर्मेंटेशन हुई, तो कुरान कहीं कहता है तुराब, कहीं कहता है तीन, कहीं कहता है तीन लाजिम, कहीं कहता है सरसौल मिन हमई मसनून, ये चार पांच अल्फाज इस्तेमाल किए कुरान। बारह इसको छोड़ दीजिए कि साइंस क्या कहती है, लेकिन एक बात तय है कि मिट्टी से तखलीक हुई।
जब ये हयूला तैयार हो गया आदम का जिस्मानी हयूला, तो आदम की रूह लाकर फूंक दी गई और ये आदम हुए अब अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह के नबी हुए और इनको अल्लाह ने जमीन की खिलाफत अता की। ये चंद बातें जो हैं, ये चाहे आप मेटाफिजिक्स की बात कहें इससे, चाहे वेल्टन शाउन की बात कहें जर्मनी इस्तलाह के अंदर, या जो वर्ल्ड व्यू है उसको कहें, या कुरान मजीद की हिकमत कहें, वो जो मौलाना रूम ने शिकवा किया ना, चंद खानी हिकमत यूनानियाँ हिकमत कुरानिया रहा हम बेखान, कब तक तुम यूनानियों ही के फलसफे को पढ़ते रहोगे, अरिस्टोटल को और प्लेटो को और प्लाटोनाइसर को इनको पढ़ते रहोगे, कभी कुरान की हिकमत को भी पढ़ो। पर इस इंसान को अल्लाह ताला ने दो इल्म अता किए, ये असल है बात तो समझने की। और जहां ये जिक्र है हजरत आदम की तखलीक और उन्हें खिलाफत दिया जाने का, सूरह बकरा का चौथा रुकू शुरू में एक इल्म का जिक्र है, वअल्लमा आदम अस्मा कुल्ला, आदम को सारे नाम सिखा दिए अल्लाह ने। यानी नाम किन चीजों के, नाम कुछ चीजों के होते हैं ना, मेटीरियल थिंग्स, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, मेटीरियल वर्ल्ड जो वजूद में आने वाली थी उसकी तमाम चीजों का इल्म आदम को दे दिया गया। लेकिन दिया गया किस शक्ल में, जैसे आम की गुठली में पूरा आम का दरख्त होता है तो सही ना, लेकिन ये वजूद में तो आएगा, जरा वक्त लगेगा, ये गुठली फटेगी, दो पत्तियां निकलेंगी, फिर वो आगे पौधा बनेगा, फिर कई साल लगाकर वो दरख्त बनेगा, फिर आम आएगा ना। एक आदम में अम्र है, वहां वक्त कोई नहीं लगता, नो टाइम इन्वॉल्व, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैयन फइन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून, नो टाइम। लेकिन आलम खल्क के अंदर वक्त लगता है, रहम मादर में भी बच्चा जो है 9 महीने लेता है तब वो इंसानी शक्ल में आता है, आम का दरख्त भी कुछ साल लेगा तब वो आपको फल देगा। आलम खल्क में टाइम इन्वॉल्व है, और आसमान और जमीन की तकलीफ 6 दिनों में, अभी दिन कौन से है ये तो हम समझ नहीं सकते, ये दिन यूनिवर्सल डेज, एक तो हमारा दिन है सूरज का, हमारी जमीन का एक चक्कर जो एक दिन हो गया, लेकिन ये कि इस पूरा हमारा जो एक सिलसिला है सोलर, इस पूरे सोलर सिस्टम के दिन को क्या होगा, जबकि ये पूरा सोलर सिस्टम एक चक्कर मुकम्मल करे उसका एक दिन बनेगा, गैलेक्सी का एक दिन क्या होगा उसका आप अंदाजा कर लीजिए। तो कुरान इसीलिए कहता है ना, अल्लाह का आम दिन जो है वो 10,000 बरस का है, 1,000 बरस का है, और एक जगह 25,000 बरस पे, 50,000 बरस का भी। बार आज इसमें जो तकलीफ हुई तो फिर आदम को एक आंख तो ये दे दी गई दुनिया का इल्म हासिल करने के लिए, और दूसरी आंख दी गई वही से इस्तेफादे के लिए, ये दो अल्लाह ताला ने इल्म के शोबे इंसान को इब्तिदा में दिए और इन दोनों के साथ इंसान ने कदम ब कदम आगे बढ़ना शुरू किया। एक तरफ नबी आ रहे हैं, अल्लाह की हिदायत चली आ रही है, हिदायत में इर्तका हो रहा है, जैसे इंसानी जहन का इर्तका हो रहा है, कभी इंसान बचपने में भी था जहनी एतबार से, कभी आखिर जवान होने में वक्त लगा है उसके, इसीलिए हिदायत खुदाबंदी पहले दिन मुकम्मल नहीं दे दी गई, नहीं, कुरान में लाकर उसकी तकमील की गई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, नेमत हिदायत मैंने उसका इत्मान कर दिया तुम्हारे ऊपर। इसी तरीके से इंसान का तमद्दुन इर्तका हुआ, कभी गारों में रहता था, फिर कबायली निजाम बना, फिर शहरों में रहना शुरू किया, फिर बड़ी ममलकतें और एम्पायर का दौर आ गया। अब ये जो निजाम चल रहा था, इंसान इंसान पर जुल्म करने वाला बन गया, बादशाहों के गुलछर्रे हैं, उनके महल हैं, उनके ऐश हैं, और उसकी ऐश की जो बुनियाद है वो काश्तकार है, खून पसीना एक करके जो फल जो हासिल कर रहा है फसल, लेकिन उसके बच्चे के लिए खाने को नहीं है, उसके बच्चे के लिए फाके ऐश इनके जागीरदारों की है बादशाहों के, इन तमाम को दूर करने के लिए खत्म करने के दीन हक दिया गया और उसकी तकमील की गई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम।